आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ गरारा टू लेयर गरारा की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको फुल मेजरमेंट के साथ बताने वाली हूँ कि टू लेयर गरारा जो है हम किस तरह बनाते हैं। इसे आप टू लेयर प्लाजो भी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने रेयन फैब्रिक लिया है गरारा बनाने के लिए। आप जॉर्जेट फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पहले मैं ड्राफ्ट बता देती हूँ आपको। हमारा जो है गरारा इस शेप में आएगा। तो ये ऊपर का हमारा पार्ट हो जाएगा जो है नी राउंड तक के ये हमारा पार्ट रहेगा। तो ये टोटल 20 इंच का रहेगा। यहाँ से हमारा नी राउंड आएगा और नी राउंड से हमारा जो है नीचे की दो लेयर जो है वो जुड़ेंगी। तो ये फर्स्ट लेयर हो गई हमारी 10 इंच की और नीचे की जो सेकंड लेयर है वो भी 10 इंच की यहाँ पर मैं लूँगी। टोटल लेंथ हमारी जो है वो 40 इंच की आ जाएंगी। यहाँ पर 10, 10, 20 और ऊपर का जो पार्ट है वो 20 इंच का। तो टोटल हमारी 40 इंच की लेंथ है। यहाँ पर मैंने जो है बेल्ट के लिए छोड़ना है 2 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे ऊपर। कटिंग के टाइम मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी। और ये हमारा जो है क्रॉच एरिया आ जाएगा। तो क्रॉच एरिया के लिए हमारा जो है फॉर्मूला पहले हम निकाल लेते हैं। हिप साइज़ हमारा है 40 इंच। आपका जितना भी हो आप उतना लीजिए और उसका फोर्थ पार्ट ले लीजिए। हिप साइज़ का आपका फोर्थ पार्ट निकालना है। यहाँ पर 40 है तो उसका फोर्थ पार्ट है यहाँ पर मेरा 10 इंच आ जाएगा। उसमें मैं 2 इंच लूजिंग के लिए ऐड करूँगी। तो यहाँ 12 इंच टोटल हमारा हो जाएगा। तो जो चौड़ाई हमारी ऊपर की होंगी ये हमारी 12 इंच होंगी। फोर्थ पार्ट निकालेंगे यानी कि 4 फोल्ड में हमें 12 इंच लेना है। ये देखिए फोर्थ पार्ट निकाले हमने हिप साइज़ का। तो यहाँ 10 इंच आया और 2 इंच हमने लूजिंग ऐड की। तो टोटल 12 इंच ले लेंगे हम। ये हमारा 4 फोल्ड रहेगा कपड़ा, उसके लिए बता रही हूँ मैं। और फिर उसके बाद में हमारा क्रॉच एरिया निकालना है। क्रॉच एरिया की लेंथ हमें निकालनी है तो हिप साइज़ के अकॉर्डिंग निकालेंगे। हिप साइज़ हमारा 40 इंच है। आपका जितना भी हो उसका थर्ड पार्ट निकालिए यानी कि 3 से डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट आ जाएगा 13 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पर मैं 13.5 इंच ले लूँगी। तो यहाँ 13.5 इंच की लेंथ में ले लूँगी क्रॉचेरी के लिए। उसके बाद में हमें नी राउंड आपका मेजर कर लेना है। नी राउंड यहाँ पर मेरा 20 इंच है। मेरा 19 इंच आया था लेकिन 1 इंच मैं लूजिंग के लिए लूँगी एक्स्ट्रा। तो 20 इंच आ गया है और इसमें हम इसका हाफ ले लेंगे। तो ये हो गया 10 इंच। 10 में हम 2 इंच लूजिंग ऐड कर लेंगे। टोटल 12 इंच हमें जो है नी राउंड ले लेना है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है रेयन फैब्रिक है। इसे मैं 3 मीटर रेयन फैब्रिक यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप 3 लेयर बनाना चाहें तो आप 3.5 मीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। 3.5-4 मीटर में भी आपका जो है 3 लेयर गरारा अच्छी तरह बन जाता है। तो ये देखिए ये मेरी 3 लेयर है रेयन फैब्रिक है हमारा। 3 लेयर हो चुकी है 1, 2 एंड 3। तो ये मैं आपको मेजर करके बता देती हूँ। टोटल जो है 3 मीटर है। ये देखिए 39 इंच आ रहा है हमारा यहाँ पर। इस तरह हमारा ये जो है 3 लेयर में 3 मीटर का फैब्रिक हो गया है। उसके बाद में हमें किस तरह से हमारा जो कटिंग है स्टार्ट करनी है। ये देखिए मैंने पन्ने में इसे डबल कर लिया है। पन्ने में डबल करने हैं आपको, अच्छी तरह से बराबर कर लेना है फैब्रिक को और इसे इस तरह लंबाई में फोल्ड करना है आपको। लंबाई में फोल्ड हम टोटल 20 इंच हमारा ऊपर का जो पार्ट है वो 20 इंच आ रहे हैं। तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर 22 इंच यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। और 1/2 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करेंगे हम ताकि जो हमारी नीचे से घेर जुड़ेगा तो लेयर जुड़ेंगी उसके लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा हम ले लेंगे। 22.5 इंच पर मैंने फोल्ड किया और इसे हम कट करके अच्छी तरह से सीधा कर लेते हैं। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक या धागे आ रहे हैं उसे हम कट करके निकाल लेंगे और साइड की जो हमारी कोर आती है उसे भी हम काट के निकाल लेंगे। इससे क्या है फिटिंग में थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है कपड़ा, तो इसे आप निकाल ले तो बिल्कुल परफेक्ट आ जाता है।
अब यहाँ पर हम जो है हमारा मेजरिंग टेप लेंगे और सबसे पहले 2 इंच पे मार्किंग कर लेंगे जो हमें इलास्टिक के लिए या फिर नेफा अगर आप रखना चाहते हैं तो नेफे के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा आप ले लें। और नीचे की तरफ से टोटल ले लेंगे हमारा 20.5 इंच। ये हमारी ऊपर के जो पार्ट है उसकी पूरी लेंथ हो गई 20 इंच, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया हमने। अब यहाँ से हमें जो है 10 इंच हमारा हिप साइज का 4th पार्ट आया, 2 इंच हमें लूजिंग एक्स्ट्रा लेनी है तो 12 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। ये मैं कोर वाले साइड से जो ओपन साइड है उस साइड से ही निशान लगा रही हूँ। ये देखिए एक बार और देख लीजिए आप। अब यहाँ से हमें क्रॉच एरिया का निशान लगाना है तो क्रॉच एरिया की लेंथ हमारी 13.5 इंच आएंगी। पहले हम 2 इंच का निशान लगा लेंगे ऊपर, ये इलास्टिक के लिए या फिर नेफे के लिए। उसके बाद में 13.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। क्रॉच एरिया की लेंथ हमें यहाँ मिल चुकी है 13.5 इंच पे। ये देखिए क्रॉच एरिया की जो लेंथ है हमें हिप साइज के अकॉर्डिंग मिलती है। हिप साइज का 3rd पार्ट निकालना है हमें, बहुत सिंपल है। आपका जितना भी हिप साइज है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है। अब यहाँ स्केल की मदद से हम एक सीधी लाइन बना लेंगे। 12.5 यहाँ है तो नीचे से भी हमें मेजर करना है 12.5 इंच, 12 इंच। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है क्रॉच एरिया का कर्व बनाने के लिए। और यहाँ एक कर्व शेप देकर क्रॉच एरिया हमारा तैयार हो जाएगा। टोटल आया है यहाँ पर 15 इंच। यहाँ पे भी हमें 15 इंच पे एक निशान लगा लेना है नीचे की तरफ, जहाँ हमें नी राउंड का सेंटर मिल जाए। तो यहाँ सेंटर 15 इंच का हो गया हमारा 7.5 इंच। अब नी राउंड हमारा जो है 20 इंच है, 20 का हमें 1/2 निकाला तो यहाँ 10 इंच मिला। और 10 में हमें 2 लूजिंग ऐड करना है तो ये 12 हो गया। तो हमें यहाँ पर 12 इंच पे नी राउंड का निशान लगाना है। तो सेंटर से जो हमें है मार्किंग मिली है वहाँ से हम दोनों साइड 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे, इस साइड भी 6 इंच। और इस तरह एक क्रॉस लाइन बना लेंगे तो ये हमें नी राउंड का सेंटर मिल गया। यहाँ पर आपको ऐसे ही बिल्कुल फिटिंग लगानी है नी राउंड की, क्योंकि इस तरह से आपका जो है गरारा बिल्कुल परफेक्ट बनता है और जो है एक साइड से झुकता हुआ बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इस तरह अगर आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में बनेगा गरारा। एक साइड जो अक्सर लोगों की शिकायतें आती है कि एक साइड से गरारा उठ रहा है और बाहर की तरफ से झुक रहा है, तो ये इस तरह कटिंग में आपका जो है गरारा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इसमें दोनों साइड सिलाई हो जाती है तो जो है परफेक्ट हमारा गरारा बैठता है। ऊपर की साइड से हमारा जॉइंट वाला एरिया जो है उसे भी कट करके निकाल लेंगे। ये देखिए हमें 4 पार्ट्स मिल चुके हैं, इसे हम जॉइंट करेंगे। इस तरह से हमारे जो है दोनों ही पैर के अपर पार्ट तैयार हो चुके हैं, कटिंग रेडी हो चुकी है। अब हमें जो है नीचे का लेयर की कटिंग करनी है, फर्स्ट लेयर एंड सेकंड लेयर। यहाँ से मैं सीधा काट के निकाल लेती हूँ एक्स्ट्रा का कपड़ा। अब बाकी बचे हुए जो फैब्रिक है हमें, तो उसमें से हमें जो है दोनों लेयर निकालनी है। देखिए इस तरह से मैंने 4 फोल्ड कर लिए इसे पूरा लंबाई में से, और ये पाने में से डबल फोल्ड है। अब इसे हम जो है एक बार और इस तरह फोल्ड कर लेंगे। दोनों ही लेयर जो है हमें 10 इंच की चाहिए, तो आप अपना पाना जो है मेजर कर लें ये आ रहा है कि नहीं आपको मार्जिन लेकर। तो यहाँ देखिए 10.5 इंच
पौने 11 इंच मुझे मिल रहा है, यानी कि पौने 11-11 इंच की जो है हमारी पट्टी तैयार होगी जो लेयर है, तो उसमें हमारा मार्जिन भी हो जाएगा और पीको भी हो जाएगा। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आपको खोल के पूरा अच्छी तरह से। ये हमारा 4 फोल्ड है। अब यहाँ पर देखिए पना है आधा, ये टोटल हमारा जो है 21.5 इंच आ रहा है। इसका हाफ हम कर लेंगे, 11.5 इंच। सब तरफ हम ऐसे ही निशान लगा लेंगे 11.5 पे। इससे इसमें मैं पीको लगाने वाली हूँ। अगर आप चाहे तो बारीक मोड़ के सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन पीको से ज़्यादा अच्छा लुक आता है, तो मैं इसमें पीको ही लगाने वाली हूँ। ये देखिए हमने 11.5 इंच पे सभी जगह निशान लगा लिया, और स्केल की मदद से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें कटिंग में आसानी हो जाए। या अगर आप चाहें तो इसे 4 फोल्ड करके भी डायरेक्ट कट कर सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों ही जो लेयर है वो बराबर ही ली है। अब इसे भी हम काट के अलग कर लेंगे। हमें जो है 11.5 इंच की पट्टियाँ मिली हैं, तो हम इतनी ही लेंगे। अगर आपकी 11 इंच की निकलती तो आप 11 ले सकते हैं। देखिए 4 लेयर हैं, यानी कि 2 अलग अलग पट्टियाँ हमारी निकल चुकी है दोनों पैर के लिए। अब इसे आप कितनी लंबी पट्टी लेंगे इसका हिसाब हम किस तरह लगाएंगे। ये देखिए हमारा जो है ये नी राउंड नीचे की तरफ जो आया है, ये हमें मेजर करना है कि कितना इंच है। ये हमारा जो है टोटल 12 इंच है, तो 12 इंच हमारा ये है। यहाँ पर भी हम 12 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब 12 इंच से हमें लगभग 15 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि हमें 12 इंच से टोटल 14-15 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आप चाहे तो 15 इंच 20 इंच भी ज़्यादा ले सकते हैं, जितना आपको घेर चाहिए। तो यहाँ पर मैं 12 इंच से थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ, यानी कि 25 इंच पे निशान लगाई हूँ। और इस तरह से हम यहाँ पर कट कर लेंगे। टोटल हमने 25 इंच की पट्टी ली है जो फर्स्ट लेयर है हमारी। इसमें हमें जो है गैदर्स बनाने होंगे, छोटी छोटी सी जो प्लेट्स बनती है गैदर्स बनते हैं वो बनाने हैं, तो इसलिए हमने ये थोड़ी बड़ी काटी है घेर। ये हमारी जो है फर्स्ट लेयर हो गई। अब सेकंड लेयर हमें इससे थोड़ी बड़ी चाहिए। सेकंड लेयर में हम जितना भी घेर आ जाए हमारा पूरा ले लेंगे। तो ये हमारी जो है 4 फोल्ड है, यानी कि 2 पट्टियाँ दोनों पैरों के लिए अलग अलग लेयर है। तो इसको भी हम जो है 12 इंच, सबसे पहले हमारा जो है नी राउंड देखेंगे 12 इंच था, उसके बाद में हमने फर्स्ट लेयर जो है 25 इंच ली है। अब इससे हमें ज़्यादा चाहिए, इससे भी लगभग हमें 15 से 20 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, 10 इंच है एक्स्ट्रा में। इसमें हम जो है नीचे की लेयर, ऊपर की लेयर जो हमारी निकली थी, बचे हुए फैब्रिक को भी ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 15 से 20 इंच एक्स्ट्रा लिया है। जितना ज़्यादा आपका जो लेयर है घेरदार होंगी उतना ही घेर आएगा, जितने ज़्यादा गैदर्स बनेंगे उतना अच्छा लुक आएगा। तो ये देखिए मेरी फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और ऊपर का जो नी राउंड हमारा अटैच होएगा वो पूरा कट के रेडी है। यहाँ पर देख लीजिए ये हमारी फर्स्ट लेयर है। यहाँ हम पीको लगाएंगे एक साइड, इस साइड हमें पीको लगानी है और नीचे की साइड हमें पीको नहीं लगानी है। फर्स्ट लेयर में हमें सिर्फ ऊपर की साइड पीको लगानी है, और सेकंड लेयर में जो है हम दोनों साइड पीको लगाएंगे।
तो चलिए हम स्टिचिंग स्टार्ट कर लेते हैं अपनी। ये देखिए, ये हमारा जो है ऊपर का पार्ट है, इसे हम पहले स्टिच करके रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें जो है साइड की सिलाई लगानी है। आसन के तरफ हमें पहले सिलाई लगा लेनी है, दोनों के आसन हमें जोड़ लेने हैं। और इस तरह से हमें आसन की सिलाई और प्रेस सिलाई लगा कर रेडी कर लिया है। ये देखिए, खुलने के बाद ये इस तरह दिखेगा, ये सीधा है। अब इसके ऊपर हमें जो है उल्टा बिछाना है, इस तरह से ये सीधा है हमारा। अब दूसरा जो है हमारा, उसके ऊपर उल्टा बिछाएंगे और दोनों ही साइड की सिलाई भी लगा लेंगे। और इस तरह से यहाँ जो नीचे का रह गया फिटिंग का, उसे हमें पैक नहीं करना है, उसे ओपन ही रहने देना है। साइड की सिलाई लगाने के बाद में आप उस पर प्रेस सिलाई भी लगा लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर मैंने लगा चुकी है प्रेस सिलाई। और नीचे का हमने फिटिंग वाला एरिया ऐसे ही खुला छोड़ा है, अभी उसे कुछ नहीं करना है। अब उसके बाद में हमें जो है दोनों लेयर निकालनी है, हमारी फर्स्ट लेयर दोनों पैर की। और इसमें हमें जो है पीको लगा कर रेडी कर लिया है। तो दूसरी जो लेयर है, सेकंड लेयर, उसमें भी हमने पीको लगा कर रेडी कर लेना है। ये देखिए, हमने एक साइड इसमें पीको लगाई है। और दूसरी साइड हमने पीको नहीं लगाई है, फर्स्ट लेयर है हमारी, और इसमें हमने जो है दूसरी साइड पीको नहीं लगाई है। ये हमारा एक पैर का हो गया, दूसरे पैर का। अब इसे आपको किस तरह से ज्वाइन करने हैं, इस तरह से हमें जो है फर्स्ट लेग लेना है, जो हमारा ऊपर का पार्ट है ये, इसका इस तरह से फर्स्ट लेग लेना है, पहला लेग लेना है। और उसमें हमें जो है पहली लेयर, जो छोटी वाली पट्टी है, फर्स्ट लेयर है, उसे ज्वाइन करेंगे। तो जो पीको वाला साइड है, उस तरफ से हमें गैदर्स बनाने हैं छोटे छोटे, और इस पर जो है ज्वाइन करना है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह इसे ज्वाइन करने हैं। और फिर ये सेकंड लेयर हो गई हमारी, इसे, इसके तो दोनों साइड पीको है, तो हम किसी भी साइड से ले सकते हैं। इसमें भी छोटी छोटी गैदर्स बनानी ही है और फिर फर्स्ट लेयर पर इसे ज्वाइन करना है। ये देखिए, पीको वाला साइड है फर्स्ट लेयर का, और एक साइड हमने पीको नहीं करनी है। तो जो फर्स्ट लेयर है, उसकी छोटी छोटी गैदर्स बनानी है। आप चाहे तो धागे जो खींच कर बनाते हैं वैसे ही बना सकते हैं, या दो उंगलियों के बीच से इस तरह गैदर्स बना सकते हैं। ये इजी पड़ता है और बहुत जल्दी बन जाता है, तो मैं इसी तरह से गैदर्स बनाऊंगी। ये देखिए, पीको के थोड़ा दूर 1 इंच छोड़कर हमें जो है सिलाई लगानी है। और आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा नी राउंड है, टोटल 24 इंच का, तो उतना ही हमें पट्टी को एडजस्ट करना है गैदर्स में, ताकि ये पूरी एडजस्ट हो जाए इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट लेग है, उसके जो नी राउंड है हमारी 24 इंच की, उसके हिसाब से ही हमें गैदर्स बनाने 24 इंच के फर्स्ट लेयर में। और जो गैदर्स की हमने सिलाई लगाई थी, जो प्लेट्स की, उसके ऊपर से ही हमें सिलाई लगानी है। और ध्यान देना है कि नीचे जो है कपड़ा पकड़ते चले। इस तरह हमने सिलाई लगा ली है। ये देखिए, पीको से जो है ये राउंड राउंड बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो इस तरह हमने फर्स्ट लेग में जो है सिलाई लगा ली है। अब सेकंड लेयर हमें अटैच करनी है, तो इसके लिए भी हमें जो है छोटे छोटे से गैदर्स बनाने होंगे इस तरह। ये बस आपको दो उंगलियों के बीच से इस तरह से गैदर्स बनाते जाना है।
और इसे भी आपको जो है फर्स्ट लेयर के हिसाब से मेजर करने हैं कि बराबर आ रहा है कि नहीं। बाद में आप इसे सिलाई खोल के कम ज़्यादा कर सकते हैं, तरह से पहले मेजर कर लें और बीच से आप जो है कभी कम ज़्यादा हो तो कम हो तो आप सिलाई खोल लें, ज़्यादा हो तो गैदर्स और डाल लें और इसे फर्स्ट लेयर पर अटैच कर लें। इस तरह हमारा फर्स्ट लेग बन के तैयार है। बिल्कुल इसी प्रोसीजर के साथ हम जो है दूसरे लेग पर भी दोनों ही प्लेट्स, दोनों ही लेयर्स लगाएंगे, गैदर्स बनाएंगे और लेयर लगाएंगे। बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। एक मैंने बनाकर इजीली बता दिया है, आप ऐसे ही बना ले। और ऊपर जो है हमें अगर नेफा बनाना है तो नेफा बना ले, लास्टिक लगानी है तो लास्टिक लगाएं और आखिर में फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए मेरा जो है गरारा बन के बिल्कुल रेडी है और बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। पहनने पे भी बहुत अच्छा लुक देता है ये। अगर आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आगे आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।